राजधानी रायपुर में एसएसपी द्वारा नारकोटिक सेल का गठन करते ही सेल के अधिकारी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। रायपुर रेंज आईजी आनंद छावड़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सेल के अधिकारियों द्वारा अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से गांजा, ब्राउन शुगर, चरस टेबलेट सहित अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए। प्रयास किया एक रायपुर एसएसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी क्राइम के निर्देशन में नारकोटिक सेल का प्रारंभिक गठन कर उसमें कार्रवाई करने का प्रयास किया गया नारकोटिक्स के खिलाफ। तो इसमें इसी कड़ी में आज आपके सामने लगभग 15 लाख के जो मशरू का जब्त हुआ है, जिसमें गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर है और नाइट्रस की टैबलेट्स हैं, इसकी कार्रवाई करके आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार इसमें कार्रवाई चलेगी और अन्य बड़े लोग भी इसमें जो सप्लाई चेन के साथ हैं और जो डिमांड चेन में हैं वो भी इसमें पकड़ाए जाएंगे। उसके लिए भी लगातार कार्रवाई चल रही है और क्राइम्स ये जो नारकोटिक सेल की टीम है लगातार कार्रवाई करती रहेगी। इनका मूल काम रहेगा डॉक्यूमेंटेशन, पकड़ धकड़ और सप्लाई और डिमांड इस तक पहुंचना, आरोपियों के साथ साथ कहां से ये ड्रग्स हमारे यहां आ रहे हैं, कहां इनकी खपत हो रही है, कौन इनके प्रमुख लोग हैं जो इस सप्लाई लाइन में हैं, उनको।